छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में कल कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया था। अब इसको लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान आया। उन्होंने कहा कि हमारा घेराव सफल रहा, कार्यकर्ताओं को रोकने के बावजूद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। बैज ने कहा कि विधानसभा सत्र के बाद एक बार फिर रणनीति बनेगी, नई रणनीति बनाने के लिए दिल्ली भी जाएंगे। हमारा घेराव इस 7 महीने की भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ में, कानून व्यवस्था के खिलाफ में, और जिस तरह से लगातार प्रदेश में जो घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं को सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इस जन आक्रोश को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया था कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे, और हमारा घेराव सफल रहा। अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, तमाम वरिष्ठ नेताओं का, हमारे विधायक दल का विधानसभा सत्र खत्म हो जाएगा तो आने वाला समय में हम लोग फिर से अगला रणनीति पे हम लोग तैयारी करेंगे, और सरकार को, इस निकम में सरकार को हम 5 साल चैन से बैठने नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर शांत हुआ नहीं है, लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, सरकार उसमें पूरी तरह से नाकाम हुई है। तो सरकार चाहे कितनी भी दावा कर ले, हम जम्मू कश्मीर जैसे जगह ये धारा 8 दिए, हम लोग शांति बहाली कर लिए, लेकिन स्थिति ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन हमारी जवानों ने बिल्कुल कारगिल युद्ध में अपनी जान न्यौछावर किए, उनको सलाम। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आज भी देश की आंतरिक सुरक्षा को बरकरार रखने में बुरी तरह